मध्य प्रदेश सरकार अपना अंतिम और पहली बार ई बजट पेश करने जा रही है। बजट पेश होने से पहले भोपाल में कांग्रेस ने सरकार को सवालों से घेरा है, तो वहीं कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह ने आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी शासन में सिर्फ झूठी घोषणाएं, खोखले विज्ञापन और बड़बोले भाषण का दौर जारी है। सरकार ने पहले के बजट में कर्मचारियों, पेंशनधारियों के लिए बजट का प्रावधान किया था, लेकिन सरकार वो पैसा खर्च नहीं की। कुल मिलाकर बात करें तो सरकार 2021 और 22 में 40,786.2 करोड़ रुपए खर्च ही नहीं कर पाई है। साथ ही कहा कि केंद्र की प्रायोजित योजनाओं में केंद्र सरकार ने प्रदेश को अब तक करीब 50% राशि मुहैया नहीं कराई है। नर्मदा घाटी विकास विभाग, पर्यटन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी सहित कई विभागों में केंद्र ने एक भी पैसा जारी नहीं किया है। क्योंकि जो भी आखिर प्रस्तुत होते हैं उसमें पूरा जो उसमें आय है व्यय है उसका पूरा कैलकुलेशन किया जाता है, पिछले सालों में क्या अनुमानित खर्चे हुए थे, क्या अनुमानित व्यय, क्या आय हुई थी, उसके हिसाब से अगले साल की भी पूरी प्लानिंग की जाती है।